नमस्कार, एडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। आपको बता दें कि चुनावों की सरगर्मी के बीच अब खबर आ रही है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में माहिम सीट से मनसे ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। ये है राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे, वो भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जहां सभी दलों में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है, उसी उठापटक के बीच मनसे की ओर से कैंडिडेट अमित ठाकरे को माहिम सीट से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुद तो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे अमित को 2024 के विधानसभा चुनाव में माहिम सीट से उतारा है। आपको बता दें, यहाँ उनका मुकाबला उद्धव शिवसेना, शिंदे शिवसेना से है, यानी इस सीट पर तीन सेना उम्मीदवारों की उम्मीदवारी है। देखना होगा अमित ठाकरे इस सीट पर जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि 2019 में उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को माहिम सीट के पास वाली वर्ली सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, जहाँ पर आदित्य ने जीत हासिल की थी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उस समय मनसे ने, यानी कि राज ठाकरे ने, उस सीट से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा था। तीनों सेना के उम्मीदवार इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। एडी न्यूज़ मुंबई।